नमस्कार, मैं प्रियांशु चतुर्वेदी, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत। सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर टेलीविजन का रियलिटी शो बिग बॉस एक बार फिर से ओटीटी पर तहलका मचाने के लिए तैयार। जब से शो की अनाउंसमेंट हुई, बस तब से ही फैंस का एक्साइटमेंट लेवल चौगुना बढ़ गया और हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि इस बार बिग बॉस के ओटीटी सीजन 2 पर कौन कौन एंट्री लेने वाला है या फिर इस शो में क्या नए चैलेंजेस आने वाले, शो की क्या थीम रखी गई है और इस बार शो में कौन सी नई लव स्टोरी शुरू होने वाली। ये सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। बिग बॉस का नाम आते ही सलमान खान की याद ऑटोमेटिकली आ जाती, लेकिन इस साल सलमान खान ओटीटी वाले बिग बॉस से ओटीटी पर एंट्री करने वाले। बता दें, शो के पहले सीजन को करण जौहर ने होस्ट किया था। इस शो में बहुत कुछ खास होने वाला। शो को सफल बनाने के लिए मेकर्स हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे कि शो को पिछले सीजन के मुकाबले और भी ज्यादा व्यूवर परफेक्ट बनाया जा सके। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरों को इस शो में शामिल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्पिक्स विला 7 में नजर आ चुकी पलकपुर सुवानी बिग बॉस ओटीटी 2 में नजर आ सकते हैं। उनका नाम कंफर्म हो चुका। इसके अलावा बिग बॉस ओटीटी 2 के लिए बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली और इंडियन आइडल 1 के विनर अभिजीत सावंत को भी बिग बॉस की टीम द्वारा संपर्क किया गया। बता दें, जिया खान केस में सीबीआई कोर्ट ने तकरीबन 10 साल बाद हाल ही में अपना फैसला सुनाया था, जिसमें सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया। जिसके बाद सूरज पंचोली ने दिए गए एक इंटरव्यू में फैंस को अपनी आपबीती सुनाते हुए ये बताया था कि इस केस के कारण उनका करियर किस तरह तबाह हो गया, कैसे उस वक्त काम मांगने के बावजूद इंडस्ट्री में कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद बिग बॉस सूरज पंचोली का पहला शो होने वाला। इसी के साथ ही उनका अब तक का पहला रियलिटी शो होने वाला। वहीं बात करें अभिजीत सावंत की, तो इस शो से पहले वो सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में नजर आए थे। इस शो के वो विनर भी रह चुके हैं। इसके अलावा साल 2008 में अभिजीत और उनकी पत्नी शिल्पा नचबलिए सीजन 4 में भी नजर आए थे। अब बात करते हैं इस शो की स्ट्रीमिंग की, तो बता दें, बिग बॉस ओटीटी 2 का प्रोमो अगले हफ्ते रिलीज किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि शो जून एंड तक ओटीटी पर दस्तक दे सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ओटीटी के जियो सिनेमा पर शो की स्ट्रीमिंग की जाएगी। अब बात करते हैं बिग बॉस के कॉन्सेप्ट की, जो कि हर बार की तरह पिछली बार से अलग होगा। कंटेस्टेंट्स को इस बार जंगल थीम पर बने घर के अंदर रहना होगा। शो की तरफ से कंटेस्टेंट्स को यहाँ पर रहने के लिए सर्वाइवल किट भी दी जाएगी। बिग बॉस हाउस में जो भी कंटेस्टेंट दिए गए टास्क को सर्वाइवल किट में मौजूद सामान के साथ पूरा कर पाएंगे, उनकी एंट्री मेन हाउस में की जाएगी। इसके साथ ही वो कैप्टेंसी के दावेदार भी हो पाएंगे और उन्हें वीआईपी रूम का एक्सेस भी मिल पाएगा। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स।